हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर वन यानी सॉल्यूशन या विलयन के पार्ट फोर को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने तीन पार्ट, हालांकि बेसिक मिलाकर के चार पार्ट इसके पहले देख रखा है बच्चों, ठीक। अगर आपने उसको नहीं देखा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना बबुआ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो पड़े हैं, देख लीजिए, भले ही आप एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में अब की बार बहुत सारे चैप्टर रिमूव कर दिए गए, इसलिए सिलेबस बहुत छोटा है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना भाई, 10 ही चैप्टर पढ़ना है। और जितने जो मजेदार वाले थे, जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से बनते थे और लेंथी थे, उनको तो भाई हटा ही दिया है, तो टेंशन का है। चलिए मजे में पढ़ते हैं। तो यहां विलयन चैप्टर के पार्ट फोर, इसमें हम देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या होता है, जिसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक भी होता है और मोलल अवनमन स्थिरांक। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, और 2022 हो या 23 हो, आप अगर पेपर उठाएंगे बच्चों, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया और हर साल पूछा जाता है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का यानी इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का मतलब क्या है कि भाई वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या है उबलने लगे, उसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का मतलब क्या है बच्चों, वृद्धि। उन्नयन का मतलब बढ़ना यानी वृद्धि, ठीक। चलिए इसको सीखेंगे कैसे, ध्यान से समझना, एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना है। हमने बोला ना, मजे में पढ़ेंगे तो चीजें एकदम विजुलाइज रहेंगी, दिमाग में हमेशा रहेंगी, ठीक। रट्टा मार के पढ़ोगे तो हमेशा चीजें तकलीफ देंगी और कुछ समय के बाद दिमाग से हट जाएंगी। ये कोई विलायक है। अब देखिए भाई, विलायक किसे कहते हैं, आपको भाई इसमें बनाने की जरूरत तो है नहीं भाई, जो नए हैं फिर से सुन लीजिए। विलायक क्या होते हैं, जब मतलब जिसमें किसी पदार्थ को घोलते हैं वो विलायक होता है, और जिसको घोलते हैं रसगुल्लों वो विलेय होता है। तो मान लेते हैं यहां पर क्या है, पानी इसमें भरा हुआ है, वो क्या है, तो पानी क्या है, विलायक है। जब कोई चीज आप इसमें घोल रहे हो, जो घोलते हैं उसे कहते हैं विलेय। बात समझ में नहीं, जिसको घोला जाता है विलेय, और जिसमें घोला जाता है विलायक। और विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम, ठीक, बस इतना ध्यान देना। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या है, समझिए कि जब किसी, ये क्या है, विलायक है, हमने बताया कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाया जाए। अब इसमें अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य का मतलब हो चूं, जैसे यूरिया आप मिला देते हैं, ठीक। वैद्युत, देखिए, अनपघट्य जिसमें धारा का मतलब जिसमें चालकता का गुण ना हो, यानी धारा का जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित ना की जा सके, उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे क्या है, यूरिया है, यूरिया है, या फिर ग्लूकोज है, ठीक ना, शर्करा है। तो ये ऐसी चीजें हैं बच्चों कि इनके जलीय विलयन में से आप धारा प्रवाहित कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो हमने परिभाषा क्या बताया कि जब किसी विलायक में कोई वैद मतलब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है, तो उससे क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, है ना मजेदार। चलिए पहले लिख लेते हैं परिभाषा कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य का मतलब वही चीज, वैद्युत अनपघट्य मतलब जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित ना कर सके। जैसे नमक है, नमक के जलीय विलयन में तो धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि भाई अगर शर्करा है, ग्लूकोज है, यूरिया है, तो इसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इस ये प्लस माइनस इन पे चार्ज होता ही नहीं, ये उदासीन होते हैं। बात समझ में ना। तो कह रहा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है या मिलाया जाता है, घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है,
जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। ठीक, मैं भी इधर थोड़ा चमक रहा होगा, कोऑपरेट करना, क्योंकि भाई हमने बताया ना, बस दिन में वीडियो शूट करते हैं, अभी स्टूडियो का नए वाले स्टूडियो का काम चल रहा है, तो भाई और यहाँ पर है लाइट, लेकिन वही है कि भाई कमरा भी बंद कर देंगे, लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि लाइट है ही नहीं। ठीक, इसलिए तो बस बोल दे रहे हैं कि जब किसी विलायक में, ये कोई विलायक है बच्चों, जब किसी कोई मतलब विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, और इसे क्या है रसगुल्लों, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, ठीक ना, दर्शाते हैं, टी सफिक्स बी, बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए देखिए जो फार्मूला होता है भाई, परिभाषा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इस पे जो न्यूमेरिकल आता है वो मजेदार है। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुड़े के बी गुड़े स्मॉल डब्लू अपान अपान एम गुड़े कैपिटल W। ये क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन बराबर फार्मूला होता है। ठीक, अब जहां सब चीजों का मतलब देख लेते हैं कि ये KB क्या है, तो KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका भी परिभाषा पूछता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक अभी बताते हैं, डोंट वरी, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको कह रहे, इसका वैल्यू सवाल में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। और उसके बाद क्या है, जो स्मॉल डब्लू है बच्चों, ये हो जाता है क्या, विलेय का भार, शुरू से इसको हम बताते चले आए हैं, विलेय का भार है, है ना। अब उसके बाद यहां पर और जो कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, हाँ यहां पर क्या है, स्मॉल जो एम है, दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा भाई, हमें तो पता नहीं, तो M क्या है, ये क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है। और एक बचता है कैपिटल W, इसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक का भार, ठीक है ना, विलायक का भार। अब उसके बाद एक और है डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, तो भाई इसको तो हमने शुरू में ही बता दिया, ये क्या है, क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पानी हो गए, है ना। तो ये चीज होता है भाई, गर्मी जाने दीजिए, क्योंकि अब स्वास्थ्य ठीक है तो भाई गर्मी से क्या लेना देना, अपन क्या है उस क्षेत्र से होते हैं, उस माहौल में पले हैं, ठीक ना, एसी कूलर वाले आदमी है नहीं, तो कुछ भी आ जाए, ठंडी गर्मी बरसात, अपना तो काम है रसगुल्लों के लिए मेहनत करना। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना बच्चों की क्वथनांक में उन्नयन क्या परिभाषा है और इसका फार्मूला होता है। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, कभी कभार पूछ लेता है कि क्वथनांक में उन्नयन मतलब ये जो पूछा जाता है, इसके बजाय मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, परिभाषा ध्यान से सुनना, यहां पर लिखेंगे नहीं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिख लीजिए, छाप लीजिए बिल्कुल, ये क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक परिभाषा, ये जब किसी विलायक के, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा, बस थोड़ा अंतर है कि जब किसी विलायक के, ठीक, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या बताया कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, तो वो भी परिभाषा हो गया और क्वथनांक में उन्नयन क्या है हमने बता दिया, ये फार्मूला भी है, पहले इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक।
चलिए अब देख लेते हैं हिमांक में अवनमन। भाई क्वथनांक में उन्नयन हो गया, अब हिमांक में अवनमन क्या है? बिल्कुल एकदम हलवा है ये भी, इसमें कोई ज्यादा आपको उलझना नहीं है। जैसे इसके पहले परिभाषा थी बस सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस और कुछ नहीं। जैसे हमने उसमें क्या बताया था कि विलायक में, मतलब जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनुघट्य या मतलब घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हिमांक है, बस परिभाषा में क्या अंतर है वो सुनिए। इसमें क्या हो जाएगा कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जाता है तो हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं मतलब हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, वह निश्चितता जिस पर कोई क्या है द्रव ठोस अवस्था में यानी बदल जाता है यानी बर्फ में बदल जाता है वो क्या है? हिमांक, यानी जम जाता है वो क्या है? हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। और अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक, तो परिभाषा समझ में आ गया बच्चों, क्या लिखना है कि विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो यहां पर लिखेंगे किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, और इसे क्या होता है, इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। ठीक, उसे डेल्टा टी भी, क्योंकि एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक होता है, तो इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, परिभाषा समझ में आया मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्या लिखना है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन, इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। हाय रे गर्मी, हाय गर्मी है। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, फार्मूला सेम है रसगुल्लों, बस वही अंतर है। अब क्या अंतर है बताते हैं, अब देखिए अंतर क्या है, वहां पर के बी था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पर के एफ है इसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे, वहां पर डेल्टा टी बी था मतलब हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन उसको पढ़ते थे, यहां पर टी एफ है तो इसे हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है, नो चेंजिंग। ठीक, तो यहां से ये फार्मूला हो जाएगा, और इस पे बच्चों न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जरूर आएगा, बहुत ही मजेदार ये फार्मूला है, और बस एक दो टॉपिक और हैं उसके बाद पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके दो तीन पार्ट में ही सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल को ही हम निपटा देंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब यहां से सब सैंपल को लिख लेते हैं। ठीक, कि भाई डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है हमने बताया, वही चीज भी जो देख रहे हैं, हिमांक में अवनमन। गर्मी इतनी ज्यादा है कि पीछे पूरी तरह भीग गए हैं, बट कर भी क्या सकते हैं। और उसके बाद ये के एफ क्या है रसगुल्लों, ये है मोलल, ठीक है ना, मोलल अवनमन स्थिरांक। अभी देखिए इसकी भी परिभाषा बताएंगे, जैसे उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक की बोले थे ना,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मॉल डब्ल्यू क्या है भाई, कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज है। विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोला जाता है वो सवाल में दिया रहेगा कि उसका कितना भार है, विलेय का भार, ठीक है ना। और उसके बाद ये स्मॉल जो एम है ये क्या है, विलेय का अणुभार, ठीक, क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार, अणुभार, ठीक। और उसके अलावा जो कैपिटल डब्ल्यू है इसको क्या कहते हैं, विलायक का भार, ठीक, विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये इतने चीजें हो गई, ठीक है ना, ये फार्मूला है और इस सैंबल का मतलब क्या है वो हमने लिख दिया। अब देखिए अगर पूछ लिया जाए कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिख दी, देखिए परिभाषा बिल्कुल इसके पहले थी, उसमें जैसे बताए थे कि विलायक के, ठीक है ना, हमने क्या बताया कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य का 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम मोल घोला जाता है तो हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। जुड़ क्या जाता है कि विलायक का 1000 ग्राम और उसमें जो वैद्युत अनवघट्य होता है 1 ग्राम मोल, वही जुड़ जाता है। बस परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य के 1 ग्राम मोल को या 1 ग्राम अणु को घोला जाता है तो हिमांक में जो कमी होती है उसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। भाई ये परिभाषा भी ज्यादा पूछता है इसलिए इसको बता दिए, बाकी जो परिभाषा थी बच्चों उसको तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है ना। ये गर्मी वर्मी कुछ नहीं होती है ना, जो भाई कहते हैं ना कि पानी से नहाते हैं अक्सर वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आपको इतिहास बदलना है रसगुल्लों, इसलिए गर्मी तो आती जाती रहेगी, ठंडी गर्मी भाई ये मौसम का खेल है, ये तो यूं ही आएगा जाएगा, लेकिन आपको अपना क्या है कि अपना उसको क्या बोलते हैं, अपना नहीं अपनी लाइफ को सेटल करना है भाई, अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाना है तो डट जाइए, ये मत देखिए गर्मी है क्या है, ये तो होता रहेगा, काम है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने प्यारे मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके।